फ्राई शिमला मिर्च या फ्राई कैप्सिकम की सब्जी बना रहे हैं, बड़ी ही लजीज बनती है और दाल चावल के साथ यानी कि साइड डिश के तौर पर आप इसे खा सकते हैं। आसानी से बनाई जा सकती है कुछ ही मिनटों में, तो वीडियो एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। मैं निकिता आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधी स्टाइल फ्राई कैप्सिकम की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 शिमला मिर्च का इस्तेमाल करा है। इसे अच्छे से धो लिया है और इसके बाद इसके स्टेम को कट कर देना है और अब हमने इसे स्लिट लगा लेना है और 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। सारी बैच के साथ हमें सेम प्रोसेस ही फॉलो करना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, आप चाहें तो ये पोर्शन जो है ना सीड्स वाला, इसे रिमूव कर सकते हैं और अगर ना तो आप इसे रिटेन भी कर सकते हैं। अगर शिमला मिर्च बड़ी साइज का है तो इसे और आप स्लिट कर दीजिए। अब अपने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है 2 बड़ी चम्मच, आप चाहें तो 1 बड़ी चम्मच में भी इसे बना सकते हैं। और अब ये जो शिमला मिर्च है हमें इस तरीके से फ्राई कर लेने हैं। पहले हम ये भाग को फ्राई करेंगे, इसके बाद इसे टर्न एंड ट्विस्ट करेंगे। तो लगभग 5 मिनट्स तक पहले आप फ्राई कीजिए मीडियम आंच पर और बीच बीच में चेक करते रहिए। ये देखिए थोड़ा सा इसका जो स्किन है वो कुक होने लगा है, फ्राई होने लगा है। तो अब आप इसके साइड को पलटा लेंगे। जब तक शिमला मिर्च फ्राई हो रहे हैं मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने इसमें स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मसाले आपके किचन में आसानी से पाए जाते हैं। अब हमने इस तरीके से शिमला मिर्च जो आपका ओपन साइड है ना उसमें मसाले को ऐड करना है। आप कढ़ाई में ऐड ना करें क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको खांसी बचने लगेगी क्योंकि ये जो मसाले हैं ये फ्लेवरफुल हो जाते हैं। तो इस तरीके से शिमला मिर्च पर ही प्लेस करें और बिना कवर किए इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आँच पर पका लें। आपके लिए एक टिप है कि आप जो तेल है वो थोड़ा कम ही इस्तेमाल करें क्योंकि अगर आपने ज़्यादा किया तो वो दिखने लगता है और ये हेल्दी भी नहीं लगता है। तो 1 से 1.5 चम्मच तेल ही काफ़ी है अगर आप भी इसी क्वांटिटी में शिमला मिर्च बना रहे हैं। तो दोनों तरफ से हमने इन्हें अच्छे से फ्राई कर लिया है। कलर देखिए चेंज होने लगा है। ये लीजिए गर्मा गर्म फ्राइड शिमला मिर्च इन सिंधी स्टाइल बनकर रेडी है, जो कि दाल चावल, करी चावल या वैसे ही तवा सब्जी के तौर पर आप खा सकते हैं। तो बनाएं और कमेंट में मुझे बताएं कैसी लगी आपको ये रेसिपी। वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और ये इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक न्यू कंटेंट के साथ। अंटिल देन फॉलो अस ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम निकिता कुकबुक, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर निकिता आहूजा। दिस इज निकिता साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय झूलेलाल।